Good evening, everyone. Yes, good evening, everyone, and wishing you all a very happy Dhanteras and happy Diwali to all. और आज हम लोग यहाँ पे जो 8 o'clock का जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीम से जो लीडरशिप टॉक सीरीज जो चल रहा है उसी के संदर्भ में आज हमारे पास है वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम विद आवर ग्रेट लीडर्स जो हमारे ग्रेट अप्लायंस सब लोग यहाँ पे हैं, आपके भी अप्लायंस हैं और इतने बड़े सेमिनार में आज बहुत सारे चीजें हमको सीखने को मिलेगा बिजनेस का। जो बहुत सारे आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होगा, डाउट्स होगा, फियर होगा, वो सारा आज ओवरकम आप कर पाएंगे। सो प्लीज पे योर फुल अटेंशन टू दिस सेमिनार, जस्ट 1 hour आप पूरा ध्यान से देखिए। दिस मीटिंग में बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ और आप जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आज लेने वाले हैं। और आज हमारे पास जो स्पीकर हैं ऑल द वे फ्रॉम पुणे, और जो प्रोफेशनली जो वो प्रोफेसर हैं वो वाइस चांसलर तक जा सकते थे इस उनके जॉब में। उनका जॉब का प्रोफाइल अगर देखेंगे, एजुकेशनल प्रोफाइल देखेंगे, इतना सारा डिग्री है जो आप जानने को मिल जाएगा उनके, वो ही आज खुद बता देंगे। और इस प्रोफेशन से लोग आके बिजनेस को इतना बड़ा बना सकते हैं तो हम लोग भी बना पाएंगे, है ना, उनको देख के। और जो हम उनका नाम है, जोरदार क्लैप्स होना चाहिए उनका, मैं पहले इंट्रो वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो नाम है उनका राजकुमार और सीता मोरे, ऑल द वे फ्रॉम पुणे। और ये साल उनका साल रहा, वो EDC बने, नए ब्रांड न्यू EDC। सो हम लोग ALS में फॉरेन ट्रिप्स में भी मुलाकात होता है। लास्ट टाइम हम लोग इस्तांबुल में हम लोग मिले थे और बहुत एंजॉय किए। और अनु, एनीथिंग यू वांट टू से? यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज जो EDC लेडी है वो एक रियल एग्जांपल है, एक सिंपल हाउसवाइफ से वो किस तरह एक ग्रेट डिसीजन लिए, अपना भी लाइफ चेंज किए और बहुत सारे लाइफ चेंज करने के लिए वो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए उनका इंट्रो वीडियो देखते हैं। में UPSC पास तो हुआ लेकिन IAS के लिए रैंक नहीं आया, IPS के लिए आया। और फिजिकल फिटनेस ग्राउंड वर्क की पूर्व तैयारी नहीं की थी तो IPS कैडर पास होकर भी मैं IPS कैडर ज्वाइन नहीं कर सका ड्यू टू फिजिकल फिटनेस। वहां पे मुझे पहला फेल्यूर मिला दोस्तों। वहां से आगे मेरे एजुकेशन में टर्न आया और मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की और मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हुआ फिजिक्स में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से। आगे दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया। उसके आगे मैंने MPhil किया इलेक्ट्रॉनिक्स में पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने PhD तक की पढ़ाई किया फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी में। मैंने स्पॉन्सर ने कॉल कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मेरे वाइफ को और हमें प्लान दिखाया, लेकिन मैं इतना बिजी था क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में और मैं यूनिवर्सिटी के सभी पोस्ट का एक्सपीरियंस ले रहा था ताकि मुझे महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनना है, क्योंकि मैं मेरे एसोसिएशन में, मेरे इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर उनके एसोसिएशन में था तो मुझे, मेरे लिए कुछ ऐसा दिखता नहीं था। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीना प्रोडक्ट यूज़ किए और FED फंक्शन आया दोस्तों।
ऐसे ये फंक्शन, इसे फ्री एंटरप्राइज बेस्ड सिस्टम यानी कि फंक्शन कहा जाता है, ऐसे फंक्शन में हमें आने का कोई प्रावधान नहीं था, ये बिजनेस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था मेरे माइंड में, लेकिन ऐसे फंक्शन में आ गए। ऐसे फंक्शन में आने के बाद पता चला, क्या पता चला, ऐसे फंक्शन से मुझे एक विजन मिला, और ऐसे फंक्शन में आने के बाद मेरा कॉमन सेंस जगह पे था और मैंने देखा डायमंड सेलिब्रेशंस, कांति एंड लता गाला का डायमंड सेलिब्रेशन देखा मैं मुंबई शहर में। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ के रिवॉर्ड्स बहुत अलग है, बहुत ऊंचे है। जो गोल मैंने रखा था, जो ड्रीम मैंने रखा था वाइस चांसलर बनना, वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन डायमंड बनना इस धरती के ऊपर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और एक महान कार्य है, ये मुझे एहसास हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये पता चला कि बिजनेस बढ़ता है फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन। जुनून, एक जुनून आ गया, एक एक्साइटमेंट आ गई। मैंने कामयाबी की खोज की, फेल्यूर की खोज नहीं की। जो लोग छोड़ के गए उसका तलाश नहीं किया मैंने। जो लोग कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर हैं तो उन्होंने क्या काम किया वो देखा मैंने। हम डेली शाम को 7 बजे शुद्ध प्लान करने के लिए जाते थे। आपको आज सभी चीजें हैं, सब कुछ तैयार है, हमने रास्ता तैयार किया है, आपको सिर्फ चलना और भागना है। हम बिना ऑफिस का, बिना सब कुछ रहते हुए हमने इस बिजनेस को करके दिखाया है। जब हमारा एमरल्डशिप हो गया था तभी मेरा बेटा टेंथ में था। एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड गए हम, और जब हमारा डायमंड टू फाउंडर डायमंडशिप हो गया तब मेरा बेटा 12th में था। लेकिन हमने एक्सक्यूज नहीं बनाया। मैंने मेरे हस्बैंड को 15 अगस्त 2002 को यूनिवर्सिटी में जाके तिरंगा झंडा हाथ में लेके मैंने मेरे हस्बैंड को जॉब से फ्री किया है। और 3 प्रकार के लोग रहते हैं, पहले होते हैं देखते हैं कि क्या है, और दूसरे जो होते हैं कुछ होता है क्या वो देखते हैं, और तीसरे जो होते हैं करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाया है, आप करके दिखाना चाहते हैं, हमने करके दिखाया है, ये प्रूव किया है। तो मैंने इस बिजनेस की स्टडी किया। मैं इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर, क्या मैं स्टडी नहीं करता? इस मॉडल का बहुत स्टडी किया है। आप इसके ऊपर PhD मत करो, ये एक्साइटमेंट बरकरार रखना और स्टेज के आके बताना ब्रांड न्यू डायमंड्स होके, राइट? यस फ्रेंड्स, नाउ इट इज टाइम टू इनवाइट ऑल द वे फ्रॉम पुणे ब्रांड न्यू EDC गोइंग कैम, Mr. Rajkumar and Sita Murray on the screen, Zoom screen. Welcome with physical, digital claps. Welcome, sir and ma'am. Thank you very much. It's a warm welcome. Thank you. Bhavani Shankar and Anu, thank you very much. Mishraji, Mishra Kapal, thank you for your warm welcome on the digital platform of Pan India. And mostly few of them are from abroad also for today's meeting. So, dosto, aap sabhi ko namaskar, ye pyar bhara hamara namaskar, aur hamara naam Rajkumar and Sita hai. Abhi aapne video mein dekha hai, haan, us video ke andar ke hi log hum aapse baat kar rahe hain. Isse aur ka video aapne nahi dekha, aapne hamara video dekha, ek chota sa trailer tha, trailer bhi nahi, uske pehle ka tha. बाकी सारा कुछ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ब्रिट के वेबसाइट पे भी है, और आप सारी हमारी ऑडियो वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, ऑनर की बात है कि आज हम राकालन मीता मोहंती जी के पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम आपको यहाँ सिखाने नहीं आए हैं और हम आपको कुछ सिखाएंगे भी नहीं, हम हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे एक्सपीरियंस से आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा, शायद कुछ आप सबक ले सकें, और ताकि आपकी उन्नति होगी, ग्रोथ होगी। तो मेरी आवाज आप सभी को आ रही है मिश्रा जी? यस सर, यस सर, इट्स लाउड एंड क्लियर? या एब्सोल्युटली, वाओ, वेरी गुड, क्योंकि वो होनी चाहिए। हाँ, और एक मैं बात बताना चाहता हूँ आप सभी से, हम कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम शेयर करने से पहले अगर कुछ आपको अलग ऐसा महसूस हो रहा है तो आपके अपलाइन प्लैटिनम, आपके अपलाइन एमरल्ड, आपके अपलाइन डायमंड से थोड़ा सा चेक कीजिएगा बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस।
लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करेंगे, हम कुछ अलग बात नहीं करेंगे, हम राकाल जी और मीता जी को बहुत चाहते हैं, हम उनके यानी कि बहुत हम उनके फैन हैं, तो हम उनकी तरफ से भी बहुत सीखा है। और जनरली जो सिस्टम बताता है, जो एमबीए कॉरपोरेशन के दाहिरे के अंदर ही हम आपके साथ बात करेंगे, फिर भी कुछ अगर डिफर होता है तो चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारा पहला कार्डिनल रूल है बिफोर गोइंग टू इंप्लीमेंट एनीथिंग चेक विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। सो दोस्तों, मेरा नाम तो आपको पता चल चुका है, नए मेहमानों के लिए मैं बात करूंगा। हो सकता है आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमें डायरेक्टली जुड़ चुके हैं, और कुछ मेहमान, कुछ गेस्ट, कुछ कैंडिडेट, कुछ प्रॉस्पेक्ट YouTube के माध्यम से भी इस आज के सेशन में ज्वाइन हो चुके होंगे, या YouTube के माध्यम से भी आप देखेंगे। ये क्राउड मिक्स क्राउड है, हम जानते हैं, क्योंकि कुछ नए नए हैं, उन्होंने अभी शुरुआत की है, और कुछ सालों से इस क्षेत्र के अंदर हैं, और कुछ डिकेड से इस बिजनेस में है। तो हम सभी के लिए बात करेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी किसान थे, माता हाउसवाइफ थी, और मैं किसान परिवार से पैदा हुआ। मुझे चार बड़े भाई हैं, एक बड़ी सिस्टर हैं, और मेरा सबसे लास्ट नंबर मैं। दोस्तों, घर में खेती यानी कि किसान होने के नाते मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे वही कुछ वहां से भी कुछ संस्कार मिले। और दोस्तों, मेरे पिताजी मेरी पैदाइश होने के बाद कुछ ऐसी वारदातें हुई, मेरे पिताजी गूंगे और बहिरे हो गए, और उसके बदौलत उनको उनकी सही तरीके से आवाज़ नहीं थी, सही तरीके से जबान नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी लैंग्वेज में समझाया, बेटा तो पढ़ेगा लिखेगा, कुछ अच्छी एजुकेशन करेगा तो तू एक सरकारी बाबू बनेगा, और तुझे क्या मिलेगा, उन्होंने अपनी भाषा में समझाया था, तू सरकारी बाबू बनेगा, तुझे बैठने के लिए एक चेयर होगी, तेरे सामने एक टेबल होगा, और ऊपर एक फैन होगा। यानी कि टिपिकल सरकारी बाबू की उन्होंने मुझे जब मैं बहुत छोटा यानी कि मैं प्राइमरी एजुकेशन ले रहा था, तब मुझे बताया, अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं, तू पढ़ाई नहीं करेगा, तो तुझे खेती करनी पड़ेगी, तुझे दो माँ है, एक तेरी जन्म यानी कि जिन्होंने जन्म दिया, पैदाइश किया वो माँ, और दूसरी काली माँ यानी कि खेती है, उसकी सेवा करना पड़ेगा, तू फैसला तेरे साथ है। तो ये समझते हुए मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। पहली कक्षा में मैं उतना सीरियस नहीं था, मैं स्कूल भी नहीं जाता था, उस जमाने की बात आज से 40 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया, पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर आया, और अव्वल नंबर आते ही मैं जब हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा था, तब मेरे बड़े भाई एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में विलेज अकाउंटेंट का काम करते थे, और उनके राउंड पे आते थे आईएएस कलेक्टर आते थे, और उस कलेक्टर का थाट बाट देखते हुए, आईएएस का वो रुआब देखते हुए, उन्होंने मुझे मेरे अंदर वो बीज डाल दिए कि राजकुमार, तू पढ़ाई में बहुत तेज है, शार्प है, तू आईएएस बन सकता है। तो उसी तरह से फिर मैंने ठीक है भैया, आप कहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, बच्चों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं आती, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चे पहले समझ जाते हैं, समझदारी को समझाना किन को पड़ता है, माता पिता को ही समझाना पड़ता है सब कुछ, माता पिता को, क्योंकि बच्चों को कुरकुरे, लेह, चॉकलेट ये कौन ला के देता है, बच्चों को कैसे पता चला ये लेह कुरकुरे यानी कि चॉकलेट या जंक फूड कैसे पता चला, ये काला पानी यानी कि कोल्ड ड्रिंक कैसे पता चला, कहीं ना कहीं तो माता पिता पिए, या कहीं ना कहीं माता पिता ने अवेलेबिलिटी कराई तो तब उनको पता चला ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, तो मैंने भी बचपन में समझ लिया कि ठीक है, मुझे आगे चल के यूपीएससी हिट करना है, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी हिट किया। लेकिन दोस्तों, अभी आपने इंट्रो वीडियो में देखा है, सुनाई है, मेरा रैंक नहीं आया, और आईपीएस के लिए आया, फिजिकल फिटनेस का चैलेंज आ गया, तो उसी के बदौलत फिर मैं हायर एजुकेशन करना शुरू किया। मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएशन किया औरंगाबाद मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट से, एमएससी फिजिक्स में रहा। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया। फिर मुझे कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी था, तो मैंने सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज पुणे से मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगे फिर मैंने एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च करना शुरू किया, तो एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं पुणे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया।
फिर आगे उसके आगे जो मेरे मेरे जो कलीग मेरे जो क्लासमेट थे मेरे जो फ्रेंड थे वो यूएस अपने हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं जा सकता। हमेशा आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, खुद को चैलेंज कर सकते। हेलो, अपने आप को चैलेंज करते रहिए, तरक्की के दौर में आओगे और सी यू एट द टॉप हो गया आप। मैंने बचपन में स्टडी में भी वही चैलेंज किया अपने आप को कि मैं क्यों नहीं जा सकता यूएस, तो मैंने यूएस जाने के लिए तैयारी की, लेकिन मेरे पास, मैं किसान का बेटा था तो मेरे पास पैसे तो उतने नहीं थे, तो मैंने रास्ता निकाला जीआरई और टोफिल। जीआरई और टोफिल मैंने क्लियर किया 1991 बैच और मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में नहीं, लेकिन यूएस के डिफेंस लेबोरेटरी वॉशिंगटन डीसी, नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वॉशिंगटन डीसी में मैच हुआ और मेरी एंट्री डिफेंस में थी, यूएस के डिफेंस लेबोरेटरी में थी। और उसी दौरान गल्फ वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, सद्दाम हुसैन, कुवैत, इंडिया, चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, इन सारी इसमें डिप्लोमेटिकली क्राइसिस आ गए क्योंकि इंडिया नाम का सदस्य है, इंडिया ने उनको पेट्रोल दिया गया था या यूएस एयरक्राफ्ट को, तो ये बात पार्लियामेंट में आते ही ये सारा कुछ मामला चौपट हो गया और इंडिया यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ने सारे वीजा कैंसिल किए, जितने भी साइंटिस्ट इंडिया से डिफेंस में आ रहे थे उन सब के वीजा कैंसिल, उसमें मेरा भी वीजा कैंसिल, मैं इंडिया में रहा। जिंदगी में बहुत बहुत कुछ होता है दोस्तों, लेकिन हमें हम किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूपीएससी पास होके यानी कि आईपीएस नहीं बना, आईएएस नहीं बना, मैं जीआरई टोफिल क्लियर करके यूएस में मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो जिंदगी में होता है फेलियर, होता है फेलियर के साथ, फेलियर को सहना होगा और उससे ओवरकम करना होगा। तो फिर आगे मैंने इंडिया में पीएचई प्रोग्राम शुरू किया, पीएचई तक की पढ़ाई किया फाइबर ऑप्टिक्स लेजर टेक्नोलॉजी में, और उसी दौरान मुझे एक जॉब मिली, एक डिग्री कॉलेज में मैं प्रोफेसर बन के मैंने जॉब मिली। मैंने डिग्री कॉलेज में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तब मुझे क्योंकि अब अच्छी जॉब मिली, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ तो अब अगर नौकरी है तो साथ साथ छोकरी चाहिए, राइट? तो छोकरी फिर मेरे बाजू में बैठी है, राइट? तो हमारी शादी हो गई और शादी होने के बाद हमारा फैमिली गोल भी हुआ, हमें दो बेटे हो गए। हमारी शादी 5 मई को हुई है और आप जानते हैं, आप सब एमवे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो 5 मई का कितना महत्वपूर्ण है। हर साल 5 मई को हमारे दो केक होते हैं हमारे यहाँ, एक एमवे इंडिया का सेलिब्रेशन और एक हमारा मैरिज का सेलिब्रेशन। तो शायद एक दूसरे के लिए कहते हैं ना, वैसा हम एमवे के लिए या एमवे हमारे लिए ऐसा कुछ होगा। और हमारा पहला बेटा जो आया वो यानी कि उसकी जन्म तारीख है 15 अगस्त, 15 अगस्त को यानी कि 1994 में वो पैदा हुआ। दूसरा बेटा जो हुआ वो 6 दिसंबर को हुआ, तो 6 दिसंबर भी आप जानते हैं किसलिए हिस्ट्री में। तो ये सारी बातें कुछ कुछ होती होगी, विधाता ने कुछ लिखा होगा, तो इसीलिए। तो आगे फिर मैं, मेरा सिलेक्शन सीता के साथ शादी होना ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे जब से सीता के साथ शादी हो गई तब से मेरी जिंदगी में हरा भरा हरा भरा हरा भरा कलरफुल मेरी जिंदगी में। और जब सीता क्यों बनी कलरफुल जिंदगी, क्योंकि सीता के साथ शादी बनने से मेरा फैमिली गोल हुआ। आगे हम जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ वहां से मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। मेरा 3 यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर बोल के सिलेक्शन हुआ, पुणे यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी और नांदेड़ यूनिवर्सिटी। और आज हम नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, नांदेड़ इज अ होली सिटी। पंजाब अमृतसर के बाद अगर कोई किसी का नंबर लगता है तो नांदेड़ से लगता है। आज हम नांदेड़ में रहते हैं और मुंबई में भी रहते हैं, प्रॉपर्टी मुंबई में भी लिया अभी, ये आगे की बात है। तो दोस्तों यहाँ के यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना ये गॉड का प्लान, यहाँ हम मैंने ज्वाइन किया। और यहाँ एक अजनबी इंसान, एक स्ट्रेंजर, जो मैं यूनिवर्सिटी में बहुत बिजी था, मेरे बॉस वाइस चांसलर थे और इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर होने के नाते उनका थाट बाट, उनकी गाड़ी, वो सारा मैं देखता था। और मैंने भी ठान लिया, मैंने अपने आप को चैलेंज किया। आपको मैसेज यही है, मैं बार बार यही कहूंगा कि आप अपने आप के साथ चैलेंज करो, हर अच्छी चीज के लिए चैलेंज करो। अगर ये करोगे तो मैं बार बार यही करूंगा कि आप प्रगति के दौर में आएंगे। आप आज जिस स्टेज पे हैं, आज जिस हालात में हैं, उससे ऊपर ऊपर पर आएंगे आप। तो मैंने वहां पर भी चैलेंज किया अपने आप को, मैं क्यों नहीं वही शख्स बन सकता, मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां है।
तो मैंने वो ढूंढा क्योंकि मेरे पास तजुर्बा नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, एज बहुत कम था, इतनी कम एज में वाइस चांसलर नहीं बनाते, बाल सफेद होने के बाद फिर वाइस चांसलर बनाते हैं, अब बाल सफेद होने तक तो रुकना पड़ेगा। अब थैंक यू गॉड आज एमबी इंडिया में हूँ तो इसलिए बाल काले हैं, सफेद नहीं, प्रोटीन पाउडर है, बायोटिन चेरी है, तो ये कमाल, ये कमाल की बात है जी, यहाँ की ये कमाल की बात है। अब पहले की बात करते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे मेरे पास 7 एडिशनल पोस्ट थे क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मेरा बायोडाटा बढ़ाना था, और वही एक दिमाग, वही एक जुनून था, दिन रात वही, मैं यूनिवर्सिटी में इतना काम करता था कि रात 10-11 बजे बजते थे, जब मेरा शरीर थक जाता तब मुझे घर की याद आती, इनकी और बच्चों की याद आती। तो ऐसा एक कुछ नहीं, दाढ़ी नहीं बनाता था, मूंछ नहीं कटवाता था, बाल ठीक तरह से सफेद नहीं करते, बाल ठीक तरह से कटवाते नहीं थे, यानी कि ग्रूमिंग का कोई ये नहीं, कलर कॉम्बिनेशन पता नहीं, कौन सा कल कौन सा ड्रेस है, कौन एक ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर और प्रोफेसर, और मेरे यूनिवर्सिटी चैम्बर में सब साइंटिस्ट के फोटोग्राफ थे, बैठे बैठे ऐसी दीवारों पे देखते हैं तो साइंटिस्ट दिखाई देते थे, आज बैठे बैठे मेरे दीवारों पे देखोगे तो पुलिन देसाई जी का फोटो है, बैठे बैठे अगर देखो तो मीना देसाई का फोटो है, आज बैठे बैठे देखता हूँ तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का डायमंड प्लाक है दीवारों के ऊपर, एमवे के अलग अलग प्लाक है दीवारों के ऊपर, आज का माहौल अलग है और उस वक्त का माहौल अलग है। तो सभी साइंटिस्ट आप देखते हो, सभी साइंटिस्ट कभी सेविंग करते हैं क्या, साइंटिस्ट कभी ग्रूमिंग करते हैं क्या, तो इस तरह का ख्यालों का एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। तो उस एसोसिएशन में मैं था, और फिर घर आने के बाद भी सीता को यूं करो त्यों करो ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था, 300 एम्प्लॉइज मेरा सुनते थे वहां पे, क्योंकि बीइंग ए प्रो वाइस चांसलर उसका चार्ज मेरे पास था, तो सब तरफ अपना बोल बाला धुम धड़ा का वो, और ऐसा सोचता था कि वो यूनिवर्सिटी सब मेरे बाप की है, मेरे पिताजी की है, मेरी यूनिवर्सिटी है, उसमें रौब दिखाता था, कैंपस में कोई आया तो कौन आया, क्या आ गया, क्यों, क्या, किसके लिए आया, ये सारा, क्योंकि अधिकार था ना यंग एज में, तो ऐसा नहीं, ऐसे ये नेचर का आदमी। और उस वक्त मुझे एक स्ट्रेंजर इंसान ने मुझे प्रोस्पेक्टिंग किया, कोल्ड कॉन्टेक्ट भी किया, सर एक बिजनेस है, जैसे बिजनेस कहा तो बिजनेस इस शब्द से, क्योंकि हम समाज में बात करते हैं लोगों से तो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल करते हैं, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल कर रहे हैं, आज एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के बारे में कर रहे हैं, आज हम शहाने हो गए, आज हम समाज में भी शहाना हो गया, समाज भी थोड़ा सा ओपन हो गया। आज 2000 की बात है, 20 साल पहले की बात है, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इतना कहाँ थे, उनको आज 50,000 1,00,000 रुपए का पैकेज है किसी इंजीनियर को, तो हम आजकल हाँ वो तो कोई बात नहीं, 1,00,000 का पैकेज, 10,00,000 का, 20,00,000 का, 25,00,000 का पैकेज, हाँ ये तो होता है, आज की बात चल रही। उस वक्त की बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस करने के बाद मैं तो तैयार नहीं था, मैंने उनको उल्टा सीधा, आई यूज इंग्लिश लैंग्वेज टू मच दैट टाइम, और मैंने इंग्लिश में, मैंने अंग्रेजी में उनको फायर भी किया, और अंग्रेजी में लास्ट में कहा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, पता नहीं ये क्या, इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, लेकिन बार बार लोग यूज करते हैं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, चाय तो पीते हैं, कप से ही चाय पीते हैं। तो वैसा फिर मैंने उनसे, वो जा रहे थे तो जाते जाते मुझे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी, ईमानदारी से नौकरी करने के बाद मेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, और मुझे मेरी जो सरकारी तनख्वाह थी वो कम गिरती थी, क्योंकि फैमिली बड़ी है, ज्वाइंट फैमिली है, तो मुझे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी ये चल रहा था, अगर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहा तो अच्छा रहेगा। और उसी वक्त मुझे याद आया कि क्या ये सीता कर सकते हैं, लेडीज कर सकते हैं क्या, इस तरह से मैंने उनसे बात किया। तो बात करने के बाद उन्होंने दूर से, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे मेरे स्पॉन्सर, और उन्होंने दूर से कहा हाँ कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने हमें बिजनेस प्लान दिखाया, तो मैंने सीता के लिए ये बिजनेस स्टार्ट किया, सीता ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि सीता कहीं ना कहीं एंगेज हो जाए अगर तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, मिल जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने सीता को ये इनकरेज किया। आगे की स्टोरी आप सीता के मुंह से सुनो, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं जानता हूँ आप अपनी अपनी जगह पे, आप ऐसा समझो कि आप हॉल के अंदर बैठे हो, आपका घर आपका रूम जो भी है वो हॉल है, जोरदार तालियां, एक्साइटमेंट रहो, एक्साइटेड रहो, इधर उधर मत जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सी एक लाइन, कौन सा एक शब्द आपके दिल को टच होगा और वहां से आपका बिजनेस बूम,
तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरी हीरोइन, हाँ, दो बच्चों की माता, हजारों बच्चों की माता हमारे बिजनेस के, और एक बहुत ही अच्छी सर्वर है, बहुत अच्छी लेडी है, इन्होंने भी अपने वीकनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया। मेरी इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां है लेकिन आज इनके पास नई नई ताजी ताजी इनके पास एक ही डिग्री है और वो है ब्रांड न्यू एडीसी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माय ब्यूटीफुल वाइफ गोइंग क्राउन एम्बेसडर सीता मोरे। थैंक यू, थैंक यू, और सभी को दीपावली की शुभकामना। और मेरा नाम सीता राजकुमार मोरे है, मैं हाउसवाइफ थी, 20 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, 20 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं एज अ हाउसवाइफ दो छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। आपने तो सुना ही है कि राजकुमार जी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और वो बिजी थे उनके प्रोफेशन में, मैं घर में दो छोटे बच्चों के साथ बिजी थी। और बच्चे जब स्कूल जाते थे, छोटा बेटा तो नहीं जाता था, वो खाली 18 महीने का था, तभी मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और घर बैठे बैठे मेरा टाइम नहीं जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर बैठे बैठे कुछ करूं। तब मुझे अपॉर्चुनिटी जब मिली तब मैंने शुरू किया, खाली 2000 रुपये का सपना लेके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया फ्रेंड्स। और तभी खाली 7-8 प्रोडक्ट्स थे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स रेंज नहीं थी। जब प्रोडक्ट्स को हमने 100% यूज करना शुरू किया तब भी राजकुमार जी इस बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, खाली प्रोडक्ट्स यूज करते थे राजकुमार जी साथ में, और उनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, हमें भी बहुत अच्छे लगे, और हमने 100% यूज करना शुरू किया। और जब शुरू किया, बाद में फिर हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि ऐसा ऐसा आपने ब्रिट वर्ल्ड वाइड का लिटरेचर रहता है, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स होते हैं, सीडीज बुक्स, तभी कैसेट्स थी, तो हमने वो ले लिया। और पूरे इंग्लिश कैसेट्स थी अमेरिकन लैंग्वेज की, तो उतना मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं डेली सुबह एक कैसेट लगाती थी, राजकुमार जी को बोलती थी आप सुनो और मुझे बताओ, इसमें से कुछ वर्ड्स हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा मुझे बताओ। और इसके पीछे का एक ही राज था कि राजकुमार जी को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना था, और क्योंकि दोनों ने मिलके इस बिजनेस को अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, ये हमारे स्पॉन्सर ने मुझे राजकुमार जी के पीछे मुझे बताया था कि आप राजकुमार जी को इन्वॉल्व करो। तो कैसे इन्वॉल्व करेंगे, अपने हस्बैंड को कैसे इन्वॉल्व करना है, क्या करना है, वो मेरा काम था। और मैंने ऐसे करके राजकुमार जी को डेली कैसेट लगाती थी, फिर राजकुमार जी सुनते थे, धीरे धीरे राजकुमार जी को भी बहुत रिलेट होने लगे और बहुत पसंद आए कैसेट्स। और फिर बाद में एक बड़ा फंक्शन आया मुंबई में जो 2002 को हमने अटेंड किया, एफडी फंक्शन, वो फंक्शन को भी राजकुमार जी बिल्कुल तैयार नहीं थे, हमने जबरदस्ती राजकुमार जी को सीधा यूनिवर्सिटी से हम लेके गए थे मुंबई में। और तभी मेरा बेटा, जब मैं मीटिंग के लिए गई थी एफडी फंक्शन को, तब मैं मेरे बेटे को मेरे मम्मी के पास छोड़ के गई थी, 18 महीने का था, फीडिंग था, फिर भी मैं छोड़ के गई थी। मुझे आज याद आ गया तो मैं बहुत सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे मैं इन्हें मेरे बेटे को छोड़ के गई थी, मैं ये थोड़ा अजब लगता है मुझे फ्रेंड्स, लेकिन गॉड्स प्लान रहता है, भगवान ने मुझे वैसा माइंड में ये दिया कि आप जाओ बिजनेस करो, बिजनेस की एक्टिविटी है, आपके हस्बैंड वहाँ से एक्साइटेड होंगे, इस बिजनेस को करेंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं गई और दोनों साथ में गए, मैं और राजकुमार जी, वहाँ से राजकुमार जी ने डिसीजन लिया और दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को सीरियसली बढ़ाना शुरू किया। हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि आप लिस्ट बढ़ाओ, वहाँ पे फंक्शन में हमने डिसीजन लिया, वहाँ का एक्साइटमेंट देखा, वहाँ का क्राउड देखा, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रिलेट हो गई और हमने डिसीजन लेके काम करना शुरू किया फ्रेंड्स। और इस बिजनेस का जो भी काम था वो हमने सीखा, पहले सीखा और फिर करना शुरू किया। पहले हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि आप लोगों की लिस्ट बनाओ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करो, और वैसा हमने करना शुरू किया। हमारी किसी के साथ नांदेड़ में पहचान नहीं थी, लेकिन हमने
पहचान बनाना शुरू किया लोगों के साथ, लोक व्यवहार मैत्री कला के बुक्स हमने पढ़े, फिर हमने धीरे धीरे वो काम करते गए, फिर होम मीटिंग से हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था। तभी नादर में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, कोई ब्रीटोपन नहीं था, कोई बीबीएस नहीं था, कोई एमवे ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने हमारे होम मीटिंग से ही हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स हमने लेना शुरू किया, फिर हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि आप स्ट्रक्चर बिल्ड करो, आप ईगल जाओ, आप डबल ईगल जाओ। ये शुरू से हमारे माइंड में हमारे स्पॉन्सर ने प्रोग्रामिंग किया था, तो ईगल जाने से क्या होता है ये हमने समझ लिया कि ईगल जाने से स्ट्रक्चर अच्छा करने से आपको बहुत अच्छे पैसे आएंगे, आपका रूबी वॉल्यूम होगा तो डबल पैसे आ जाएंगे, ऐसा हमारे स्पॉन्सर ने बोला। तो हमने शुरू से स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया, ऐसा नहीं हुआ कि खाली राजकुमार जी ने ये ध्यान दिया, मैंने मेरा रोल किया, राजकुमार जी ने राजकुमार जी का रोल किया, दोनों ने मिलके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया, एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस किया और 9 को स्टेप्स किया, 100% प्रोडक्ट्स यूज, बहुत ज्यादा कस्टमर्स को क्रिएट किया, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हमने बनाए और धीरे धीरे फिर हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ। बाद में सीडीज बुक्स एंड फंक्शंस हमने रेगुलर फंक्शंस हमने अटेंड किया, सीडीज बुक्स हमने रेगुलर जो भी एसओसी प्रोग्राम है वो हमने लगवाया और किया, खुद किया और ग्रुप में प्रमोट किया। ये सब चीजें जो भी हमारे स्पॉन्सर बोलते थे, अपलाइन बोलते थे, अपलाइन डायमंड बोलते थे, कुलीन एंड मीना देसाई, वो हम करते गए और सुनते गए, रेगुलर वही चीज किया है और आपने भी वही करना है क्योंकि आपकी और हमारी अपलाइन डायमंड एक ही है और उनकी तरफ से हमने सब कुछ सीखा है। और आप तो बहुत लकी है कि राकाला एंड मीता मोहंती जी ने एक एग्जांपल सेट किया है पूरी दुनिया के लिए, कितना अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, कितना अच्छा काम किया है, हमने उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें सीखा है। और हर एलएस में हम मिलते थे, हर एलएससी मीटिंग में राजकुमार जी के साथ उनका पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात होता था और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके, बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है। वो आज हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, लेकिन वो हमारे साथ है, हमें विजुलाइज करना है और उनका सपना हमें पूरा करना है। हाँ, आप सभी ने मिलके उनका जो भी ड्रीम है वो कम्प्लीट करना है, अपना अपना खुद का स्ट्रक्चर अच्छा करना है आपने, क्योंकि आप उनकी डाउनलाइन है तो उनकी तरफ से आपको सब कुछ उन्होंने आपको सिखा के गए हैं, हमें सिखाया है तो आपको क्यों नहीं सिखाया है, सिखाए नहीं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिएट करके गए हैं। तो आपने जो भी उनके मीता जी हैं वो जो बोलते हैं उनका सुनो करो रेगुलर, और रश्मि एंड क्या है उनका हस्बैंड का नाम, रश्मि एंड चंदन, चंदन रश्मि एंड चंदन, हाँ रश्मिता एंड चंदन, ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे और उन्होंने 100% चार्ज इतनी जल्दी उन्होंने 100% चार्ज हाथ में लिया है, तो प्राउड ऑफ यू। उनके बारे में बहुत कुछ हमने मालदीव में उनके साथ हम थे तो बहुत एंजॉय किया उनके साथ हमने, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं उनकी तरफ से, आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स, और आप रेगुलर बिजनेस के ऊपर फोकस रखो, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रखो, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो, पहले आपसे शुरू करो, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप घर से शुरू होता है और वही डुप्लीकेशन टीम में होगा। हमने यही किया है, ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर भी हमने उसके ऊपर फोकस नहीं रखा, फिर भी हमारा जो भी गोल था हमने गोल रखा था, डेली गोल, वीकली गोल एंड मंथली गोल एंड ईयरली गोल, तो ऐसा गोल रख के हमने एक्शन किया, रेगुलर जो भी इस बिजनेस के लिए जो जरूरी था वो काम हमने करना शुरू किया फ्रेंड्स। और ये चैलेंजेस में बहुत सारे, अप्रैल मंथ पूरा हमारे मेरे फैमिली के चार लोग सेकंड वेव अप्रैल में मेरे फैमिली के 15 दिन में चार लोग ऑफ हो गए, नहीं रहे हमारे साथ क्लोज रिलेटिव, फिर भी हमने हमारा गोल कंप्लीट किया फ्रेंड्स, और सब कुछ राजकुमार जी ने हाथ में चार्ज लिया। मैं तो बहुत टेंस में थी लेकिन पॉजिटिव सोचती थी,
बिलीव एंड अचीव, ये बुक मैंने पढ़ा जिसकी वजह से मैं वहां से बाहर आ गई फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि माहौल ही वैसा था कि मैं इतना घबरा गई थी फ्रेंड्स, लेकिन पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पॉजिटिव हम सोचते गए, पॉजिटिव बोलते गए, जिसकी वजह से जो भी हमारा गोल था वो हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स, आप सबके आशीर्वाद से। आज हमारा सही में गोल फाउंडर EDC का था, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हमारे साथ हुआ फ्रेंड्स। आपको यही मैसेज है, इस बिजनेस की वजह से आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। मेरा आज मैंने कभी नहीं सोचा था, आज पूरे जो भी बिजनेस है मेरे, मुझे बहुत बड़े बड़े चेक आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं, क्योंकि मैंने उतना काम भी किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले ऐसा था कि राजकुमार जी के पॉकेट में पैसे दिखते थे और मेरे हाथ में कभी नहीं आते थे, लेकिन आज मेरे नाम से आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मुझे राजकुमार जी को जब मैं 500 रुपये मांगती थी 500 रुपये मिलते थे और उसका भी मुझे हिसाब देना पड़ता था, आज वैसा नहीं है फ्रेंड्स। मुझे जो चाहिए मैं लेती हूँ और शॉपिंग बहुत करती हूँ, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का, हर एक लेडीज को रहता है। मैं बहुत ड्रीमर हूँ, मुझे बहुत अच्छे ज्वेलरी वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरा 25th मैरिज एनिवर्सरी को राजकुमार जी ने मुझे 250 ग्राम गोल्ड मुझे गिफ्ट दिया है। बिजनेस, इस बिजनेस की वजह से ये मिला, अगर जॉब में होती तो ये नहीं मिलता मुझे फ्रेंड्स। और जो भी हमारे शादी के ड्रीम्स थे, शादी में जो अरमान रह गए थे, वो हमने 25th मैरिज एनिवर्सरी को बहुत एंजॉय किया, बहुत बड़े बड़ी पार्टी दिया हमने हमारे ग्रुप को, और बहुत सारा हमने तभी जो भी रह गया था ड्रीम हमारा अनकम्प्लीट तो कम्प्लीट किया हमने, और ऐसे बहुत सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं फ्रेंड्स। आज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, मेरा बड़ा बेटा MD रेडियोलॉजी हो गया, दूसरा बेटा MBA मुंबई से ग्रेजुएशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और मदर इन लॉ की हमने बहुत अच्छी सेवा की, उसका भी हमें सेटिस्फेक्शन मिला है फ्रेंड्स। और हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं और आज पूरी दुनिया में मुझे जानते हैं सीता राजकुमार मोरे, ये नाम से मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले कोई नहीं जानता था, खाली राजकुमार को जानते थे, और लेकिन आज मुझे जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रिकॉग्निशन, ऐसे रिवॉर्ड अगर मुझे मिल सकते हैं तो आप सबको मिल सकते हैं फ्रेंड। और बहुत सारे हम वर्ल्ड टूर यूथ एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, अगर ये हम कर सकते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। और सभी लेडीज को यही मैसेज है कि आप 100% इस बिजनेस को दे दो, और मीता जी को फॉलो करो, रश्मि को फॉलो करो, आप भी जल्दी से जल्दी डायमंड क्लब में आ सकते हो। थैंक यू, एंड हियर इज राजकुमार जी। Wow, thank you, Sita. Thank you. Proud of you, Sita. I love you, Sita. I like you. I need you, Sita. Thank you. दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, समय को मद्देनजर देखते हुए सीता आपको और भी बात कर सकती है कि इनको प्रोडक्ट यूज करना बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट सेल करना हम दोनों को भी अच्छा लगता है। अमीर लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं, गरीब लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो हमें अगर अमीर बनना है तो अमीरों की नकल किया जाए ना, राइट? और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स। आप दुनिया में अगर आप देखोगे, आपका ज्ञान अगर थोड़ा सा मैं बढ़ाऊं, दुनिया में कोई भी अगर देखे, कहीं भी कोई भी अगर प्रोडक्ट है ना, वो 4 कैटेगरी में बनता है। पहली सबसे लो क्वालिटी, उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरी इकोनॉमी प्रोडक्शन बोलते हैं। तीसरी प्रीमियम कैटेगरी, प्रीमियम प्रोडक्शन बोलते हैं। चौथी सुपर प्रीमियम कैटेगरी। दुनिया में कोई भी हो, आपके आपकी पेन है, ये वॉच है, ये ज्वेलरी है, ये कपड़ा है, जो भी कोई भी चीज आप देखो, 4 कैटेगरी में बनेगी। पहला है जो सबसे क्वालिटी में लो क्वालिटी मास प्रोडक्शन, वो लोकल प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी। तीसरा प्रीमियम,
एंड चौथा सबसे टॉप सुपर प्रीमियम। आपको अगर इन बातों को अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं मैं आपको, तो इकोनॉमी जो होता है देश के अंदर सब तरफ अवेलेबल होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं रहता उसका, दैट इज इकोनॉमी। प्रीमियम जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है टॉप 10 में नहीं होती, वर्ल्ड के क्वालिटी जो है टॉप 10 में नहीं। और सुपर प्रीमियम जो होता है ना ये इंटरनेशनल होता है, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10 में इसकी क्वालिटी होती है, टॉप 10 इन क्वालिटी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एमवे कहाँ है, हमारा जो बिजनेस कहाँ है, हमारे प्रोडक्ट कहाँ है, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम रेंज में। इसीलिए शुरुआती दौर में अगर कोई बंदा आता है नया नया, तो उसको शुरुआती दौर में ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं हमारी क्वालिटी प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम है, लेकिन इकोनॉमी रेट में है। दाम की अगर बात करूं तो इकोनॉमी दाम में है, लेकिन क्वालिटी की बात करूं तो प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम क्वालिटी। कैसे पता चलेगा, चलो एक एग्जांपल देते हैं। हमारा आर्टिस्ट्री एक ब्रांड है और एटीट्यूड एक ब्रांड है। अब एटीट्यूड ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया है, और एटीट्यूड जो ब्रांड है वो प्रीमियम कैटेगरी में। अब आप देखो इसका इसका फेस वॉश देखो, इसका सनस्क्रीन देखो, क्वालिटी देखो, और मार्केट के जो प्रीमियम प्रीमियम है उसकी क्वालिटी देखो। इसकी क्वालिटी मार्केट के एक्स वाई जेड ब्रांड से, प्रीमियम प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड से क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और दाम दाम इकोनॉमी है, मार्केट के उतना ही है, 19-20 इतना ही फर्क है। तो समझने की कोशिश करो, आप इस क्षेत्र में आए हो, सबसे पहले अगर आपने शादी की है तो एक दूसरे को समझो राइट। अगर एक दूसरे को समझोगे तो घर गृहस्थी होगी, आगे बच्चे होंगे, संसार होगा, खुशी खुशी के साथ आगे का लाइफ जियोगे। वैसा ही आप एमए में आए हो तो पहले ये समझो, प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी बेंचमार्क कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, मार्केट में कहाँ है, ये समझो ना, ये समझना आपका काम है राइट। आइए सुपर प्रीमियम की बात करते हैं। आर्टिस्टी जो ब्रांड है सुपर प्रीमियम, पता है आपको हमारा टॉप 5th ब्रांड है, वर्ल्ड का टॉप 5th ब्रांड है। तो फिर टॉप 4 कौन है, और टॉप फोर के उसका हमारा भी जेल क्लिंजर है, आर्टिस्टी जेल क्लिंजर है या आर्टिस्टी पॉलिशिंग स्क्रब है। कभी आपने टॉप 4 या टॉप 4 के देखा है कभी? एक्चुअली तो दिखने को नहीं मिलेगा, वो कहीं कस्टम या एयरपोर्ट पे पर मिलेगा। आजकल अगर अवेलेबल हो भी जाता है तो उसका भी प्राइस देखो आप। हमारा आर्टिस्टी जेल क्लिंजर लगभग 1200 रुपीज में है, और अगर आप वो चार ब्रांड में से किसी एक का अगर आप जेल क्लिंजर लेने की परचेस करके वो उसके प्राइस देखोगे तो कम से कम 2500-2600-3000 है। कहां 1200 रुपया, कहां 2500-3000 रुपया जेल क्लिंजर। तो आपका ज्ञान बढ़ाइए भैया, जब आपका ज्ञान बढ़ेगा ना तो आप इन एमवे प्रोडक्ट को सलूट करोगे आप। माय गॉड, हम आपको ग्लिस्टर देते हैं ना, हम आपको ग्लिस्टर देते हैं, ग्लिस्टर के जैसा बना के ले आओ, ग्लिस्टर के जैसा आप मैन्युफैक्चर करके ले आओ। चलो हम परचेस करते हैं, चलो आप बताएं आपका ग्लिस्टर, अगर मार्केट में कोई अगर चाहता भी है ग्लिस्टर बनाना तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड मोर देन 500 रुपीज होगी, और वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा। तो एमवे को जितनी आप स्टडी करोगे उतना अच्छा होगा, और मैंने पहले ही बताया आपको, आज के इंट्रो वीडियो में बताया, मैं इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर, क्या मैंने इस मॉडल का स्टडी नहीं किया होगा, या क्या आपके डायमंड्स ने स्टडी नहीं किया होगा,
मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है ज्ञान रंजन मनस्विनी प्रधान, जो फाउंडर सीनीसी लेवल पे हैं, गोइंग क्राउन एम्बेसडर, क्या उन्होंने स्टडी नहीं की होगी? हाँ, क्या यानी कि मनोज जोगमाया राउत डायमंड सर पे है, क्या उन्होंने स्टडी नहीं की होगी इस बिजनेस मॉडल की? अभी आज के होस्ट जो हमारे हैं भवानी शंकर एंड अनु मिश्रा जी, क्या इन्होंने स्टडी नहीं की होगी? हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर भागवत बेहरा एंड संयुक्ता बारिक, क्या इन्होंने स्टडी नहीं की? डॉक्टर भागवत बेहरा मेडिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, और संयुक्ता तो एक प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल के पद पे रह चुकी है, क्या ये अनपढ़ लोग है? क्या इन्होंने स्टडी नहीं की होगी? तो आपको ये समझना है कि आपको ये वो छोड़ो यार, अभी आगे चलो, आगे चलो, अब आगे चलते आगे चलते। जैसे भी इस बिजनेस में मैं हम आए तो हमको एफईडी लेके गए, मुझे इन्होंने, मैं एफईडी गया, इन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया उस वक्त, बोले यहाँ से मुंबई जाना है, एक रात जाने का एक रात आने का सफर है, तो मेरे साथ कौन रहेगा, ये सारा सारा सारा। थैंक गॉड मेरे अंदर कॉमन सेंस रहा, मेरी वाइफ के साथ मैं नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आपने क्या खाया, क्या खाया? चीज द डे गमी खाया इन्होंने, 100% प्रोडक्टिव घर में है ना, 100% प्रोडक्टिव। इधर मेरा स्पीच चल रहा है, इधर प्रोडक्ट कंजम्पशन चल रहा है, इसको बोलते हैं बिजनेस। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं मुंबई गया, मुंबई जाने के बाद फिर मैंने देखा वहां पे कांति जी का स्पीच देखा, कांति को मैं रिलेट कर पाया, कांति लता गाला को मैं रिलेट कर पाया। अगर मैं उस फंक्शन नहीं जाता तो मुझे कांति जी को दिखाई नहीं देते, कांति जी के बारे में जानने का मौका नहीं मिलता था। तो कांति जी यूएस से पीएचडी है, मैं पीएचडी, और कांति जी हमसे हमारा मेरा रिसर्च में बाप है। हेलो, रिसर्च में, विज्ञान में, साइंस में, संशोधन में, पब्लिकेशन में मेरा बाप है। मैं कहा इंडिया से, वो कहा यूएस से पीएचडी की, पीएचडी के आगे भी पोस्ट डॉक्टरेट होता है, वो मैंने नहीं किया, वो उन्होंने किया। मैंने भी रिसर्च किया लेकिन मेरे रिसर्च को पेटेंट नहीं मिला, लेकिन कांति के रिसर्च को पेटेंट मिला। और कांति की सीरीज सुनोगे तो उन्होंने बार बार कहा है, I used to design the drugs, और मेरे ड्रग्स को पेटेंट है। और कांति जी ने ये भी बताया, ये एक दो बार ये भी बताया, मैं ऐसा बोलता तो मुझे पार्किंग में लोग मिलते। फिर कांति जी ने ठीक तरह से अपना बात करना सीखा, कांति बोला आई यूज टू डिजाइन गुड ड्रग्स, नॉट ओ ड्रग। ओ ड्रग की बात नहीं, जो वो ड्रग की नहीं कांति जी ने। तो और ये सारा कांति जी ने किया। तो बोलो अब मेरा बाप है कि नहीं है, रिसर्च में मेरा पापा है कि नहीं है? तो पापा अगर इतना बड़ा है तो हमने सोचना चाहिए कि नहीं, वो मैंने सोचा। आज भी आप अगर ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आज भी अगर आप यूट्यूब से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आगे जा रहे हैं और बहुत सारा माला माल कमा रहे, बहुत सारी तरक्की कर रहे, हम कहाँ बैठे हैं, हम क्यों रुके हैं? हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, अच्छी चीज के लिए रुकना नहीं चाहिए। अच्छी चीज था तो सीज द डे गमी खाया ना इन्होंने जाके। तो ये रुकना नहीं, तो इसीलिए मैं पहले 3 महीना जब ये बिजनेस में प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मेरे घर में जब बिजनेस आया था इनके माध्यम से एफईडी के पहले, फंक्शन के पहले, तो ये ड्राइविंग सीट पे थी, यानी कि ये बिजनेस कर रही थी और मैं साइड में नहीं था, मैं पीछे बैठा था कार में, मैं पीछे बैठा, ऐसा मैं बैठा, तेरा बिजनेस तू कर, तू तुझे करना चाहिए ऐसा वैसा। और जैसे भी मैंने फंक्शन अटेंड किया तब मुझे पता चला, फिर मैंने इनसे कहा तुम साइड सीट में बैठो, मैं गाड़ी चलाता। हेलो, हाँ तुम, हाँ बराबर के सीट में बैठो और मैं अभी ड्राइविंग करूंगा, ये बिजनेस को मैं ड्राइव करूंगा। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ, आप सुनो जरा समझ के, और खास तौर पे हस्बैंड लोगों ने बहुत कुछ समझना चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए, ये आपका दायित्व है पैसा कमाना। कांति जी हमेशा बोलते हैं, कुलीन जी हमेशा बोलते हैं, राकाल दा ये हमेशा बोलते हैं, ये कहते हैं ना बहुत शॉपिंग करने वाली वाइफ होनी चाहिए, बहुत शॉपिंग करने वाली वाइफ चाहिए, और हस्बैंड कैसा होना चाहिए, वो वाइफ ने ऐसा हस्बैंड ढूंढना चाहिए
कि वो शॉपिंग के लिए मालामाल पैसा प्रोवाइड करे। हेलो, और उसके लिए एक ही रास्ता है, एमवे बिजनेस। हाँ, और एमवे बिजनेस, और एमवे बिजनेस में आगे क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। एमवे बिजनेस में, एमवे बिजनेस इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, और अपना स्ट्रक्चर अच्छा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर जेंट्स है, आप इन करते हो, शर्ट इन करते हो, तो तुम इन करोगे भैया, कोई और दूसरा आके अच्छा 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 आपका शर्ट ऊपर आ गया मैं इन करता हूं, कोई नहीं करेगा। आपका शर्ट आपको इन करना है, वैसा आपका स्ट्रक्चर आपको ठीक करना है, कोई नहीं करेगा, करके देगा तो भी वो ठीक नहीं होगा, और आपके पैंट के अंदर दूसरा कोई हाथ भी नहीं डाल सकता ना। तो ये बात समझने की कोशिश करो आप, स्ट्रक्चर का क्या महत्व है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसने करना चाहिए। हमेशा कांति जी बोलते हैं, अगर बाथरूम जाना है ना आपको जाना है, ऑन द बिहाफ ऑफ, हम नहीं जा सकते, जो जाएगा उसको रिलीफ मिलेगा, जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको रिलीफ मिलेगा। ज्ञान रंजन, यानी कि ज्ञान रंजन ने स्ट्रक्चर बनाया, हाँ, ये सारे डायमंड लोगों ने अपना स्ट्रक्चर बनाया। राकाल दा और मीता जी ने डबल डायमंड, फाउंडर्स डबल डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया, इन बच्चों ने उसमें शामिल हो गए, बच्चों ने, यंग जनरेशन ने अपना अपना हुनर, अपनी एक्साइटमेंट, अपनी पावर उसमें ऐड कर दी, तो गए वो फाउंडर्स डबल डायमंड, अभी वो क्राउन भी जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये शुरुआती दौर में ये चार्ज हाथ में लिया, फिर सीता को एज ए हस्बैंड मैंने रोल निभाया, समझा, सोचा कि क्या करना चाहिए। आपको मैं बात बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, हमारी स्टोरी बताता हूं, सीता कहां कैसे पली बड़ी हुई, माता पिता के साये में, उनके घर में वो बहुत अच्छे और रिच खानदान से हैं, और वो भी लैंडलॉर्ड हैं उनके माता पिता ये सारे, और ये ज्वाइंट परिवार से, मैं भी ज्वाइंट परिवार से। तो सीता, आप देखो कैसा होता है, मैं हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, लेडीज कैसे होते हैं, माता पिता के संस्कार में पले पड़े होते हैं, शादी होती है, अपने इधर आते हैं और अपने साथ संसार शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कितने घाट का पानी पिया, उन्होंने एक या दो माता पिता के और आपके, चलो हस्बैंड लोग, अब देखो मेरा ही देखो, मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाई किया, कितनी कितनी सारी किया, रिसर्च क्या किया, मगजमारी क्या किया, कितनी कितनी नौकरियां किया, मैंने कितने घाट का पानी पिया, मैंने बहुत सारे घाट का पानी पिया ना। तो हस्बैंड लोगों के पास अपना तजुर्बा ज्यादा होता है ना, तो आपका आपका हस्बैंड लोगों का तजुर्बा ज्यादा है, तो बिजनेस ज्यादा किसने करना चाहिए, हस्बैंड लोगों ने करना चाहिए भाई, ये हस्बैंड लोगों का रोल है। तो ये बात मुझे समझ में आई, और पूरा चार्ज मैंने हाथ में लिया, सीता को कहा तुम्हें अंग्रेजी, नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा, मैं टोफेल हूं ना, हाँ कोई बात नहीं, मैंने टोफेल पास किया ना, कोई बात नहीं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन किया ना, कोई बात नहीं, फिजिक्स से सारे नियम मुझे पता है ना, कोई बात नहीं, कार्डिनल रूल को फॉलो करेंगे, हाँ, 9 core steps को जरूर करेंगे, हाँ, तुम्हारी तरफ से करो, मैं मेरी तरफ से करता हूँ, हाँ, मैंने कभी सीता को ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तुम करो, ऐसा धक्का कभी नहीं मारा। हस्बैंड आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम करो, मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, ताकि फिर सीता को ये लगा मेरा हस्बैंड जॉब करके इतना कर रहा है, माय गॉड, तो इसको मोटिवेशन मिला, और इसको मोटिवेशन मिला, तो इन्होंने लेडीज का संगठन फॉर्म किया, लेडीज को बनाया, इनका दायित्व तो क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना है, रिलेशनशिप अच्छा रखना है, मेरी माँ को संभालना है, शुरू से इनके अच्छे संस्कार के बदल मुझसे ज्यादा मेरी माँ की केयर ये करती थी, मेरी माँ की जो भी चॉइस, छोटी छोटी जो चॉइसेस होती थी वो ये प्रोवाइड करती थी। तो एक बहुत समझो यार, इंसान है हम, इंसानों का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ब्रीट में एक किताब थी, पावर ऑफ टू, दो की शक्ति, या लोक व्यवहार मैत्री कला, हाँ, लेस गिबलिन की किताबें, हाँ, तो आपको ये किताबें पढ़नी है, 9 core steps करना है, क्यों करना है ये समझो पहले, हाँ, सबसे पहले आपको कामयाबी क्यों मिले, ये सबसे पहली बात है, मैं आऊंगा उस दौर पे। तो ये सारा मैंने तय किया, और वैसा हमने काम करना शुरू किया। हमारे लिए कभी भी ये काम हमारा, ये यानी कि भगवान की प्रार्थना के जैसा ये काम हमने किया, हाँ,
एमवे में हमने ऐसा काम किया कि और आज भी कर रहे हैं, और आपके अपलाइन जो भी डायमंड्स है, जो भी जितने भी ये डायमंड्स है, एमरल्स है, वो भी सारा इस तरह से काम कर रहे हैं। राइट, तो ये पैंडेमिक, तो ये कभी माइंडसेट ये ऐसा नहीं लगा, कभी ऐसा हुआ सिचुएशन आई अप एंड डाउन आ गए ना, आने दो ना, ईसीजी ग्राफ होता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माइंड में कभी नहीं होना चाहिए, माइंड में डाउन 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 नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस होगा होगा, क्यों नहीं होगा, आप डायमंड क्यों नहीं होंगे, आप डायमंड होंगे, सिर्फ आपके लिए वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो बीच बीच में फिर हमें चैलेंजेस आ गए इनकी, देखिए हमने कभी भी प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, हमने डिस्ट्रैक्शंस कम किए। बहुत बार मुझे ऐसा गुस्सा आता था कि जब मैं ट्रैफिक रोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पता चलता है वो सामने वाला 100% रॉन्ग आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि गाड़ी रोक दूं और उसको ठोक दूं, लेकिन सीता और मैंने हमने यही सोचा इन चीजों के लिए हमारे पास वक्त है क्या। एक स्टेटमेंट है, देखो इन चीजों के लिए हमारे पास वक्त है क्या, हमारी मंजिल क्या है, हमको कहाँ जाना है, आपको डायमंड बनना है, डायमंड क्लब में आना है, हाँ। तो इसलिए फिर हमने वहां के वहां छोड़ दिया। अरे भैया कोई बात नहीं, भैया कोई बात नहीं, हाँ, हमारी गाड़ी को ठोक दिया पीछे कभी कभी कभी, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने हर जगह पे यानी कि वो डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने दिया, आपको भी डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने देना। आप किन किन को सुधारोगे बोलो, रोड पे जाके किन किन को सुधारोगे, क्या आप पड़ोसी को सुधार सकते हैं, नहीं, क्या आपके रिश्तेदारों को सुधार सकते हैं, नहीं, किसी को नहीं सुधार सकते, क्या आप लाइफ पार्टनर को सुधार सकते हैं, नहीं, अपने आप को सुधारो। मैंने इतना अच्छा काम किया तो सीता को ये समझ आया, फिर मैं बीमार चला तो मैं बीमार गिरने के बाद सीता ने इतना अच्छा काम किया, मैं बेड रिटन था, इतना काम किया, इतना लोड था, लोड के मारे मुझे 2001 में मैं जबरदस्त बीमार गिर गया, और जिस महीने मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उस महीने इधर मैं हॉस्पिटल में पूरा महीना एडमिट था, और उसी मंथ हमारा 7th मंथ में क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ हमारा, और हमने 13,000 पॉइंट से क्वालिफिकेशन किया, और उसमें हॉस्पिटल में बीमार। तो वहां से मुझे जो साइड इफेक्ट हो गए ड्रग्स के, क्योंकि मुझे कैंसर समझ के वहां पे ट्रीटमेंट किया गया, मुझे कैंसर नहीं था, नॉमिनल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस था, क्योंकि मेरे दोस्त डॉक्टर संजीव यानी कि बेहरा जी सुन रहे हैं, राइट। तो वो ड्रग के बदौलत मैं 3 मंथ बेड रिटर्न रहा, हमने कभी बिजनेस के तरफ हम कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाए। तो नेक्स्ट मंथ हमारा 22,000 पॉइंट से क्वालिफिकेशन हुआ, फिर मैं हम तीसरे महीने हम और हम सारे बेड रिटर्न में था, तो तीसरे महीने 29,000 पॉइंट से क्वालिफिकेशन हुआ, और कभी हमारा नीचे नहीं आया दोस्तों, कभी नीचे नहीं आया, 2001 से लेके आज तक कभी भी हमारा नीचे नहीं। आज तो बात छोड़ो, ये आपके लीडर के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो रहा है, जो डायमंड एंड अबो है आज एक एक टीम में लाख लाख पॉइंट होते हैं, वो बात अलग है। तो हमें ये कहना है कि ये बिजनेस की, और उस वक्त मैं बीमार था तो ये रेगुलर एक्टिविटी करती थी, तो उस वक्त मैंने जान लिया कि मेरी वाइफ इतना अच्छा काम कर रही तो मैंने भी और करना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, हमने कभी कॉम्पिटिशन नहीं किया, राइट, हमने कभी कंपेरिजन नहीं किया, हमने कभी इंक्रोचमेंट नहीं किया एक दूसरे को। तो इसी तरह से हमने काम किया, अभी आपको भी वही काम करना है। पैंडेमिक सिचुएशन आएगी, हाँ आई आई आई, लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत क्रुशियल रहा, पूरा परिवार को कोरोना ने घेर लिया था, सेकंड वेव जो अप्रैल में चल रहा था, हमें कोरोना हुआ, हम दोनों को हुआ, हमारे बच्चों को हुआ, सबको। उससे पहले मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ, यानी कि माता जी ने अपना एड्रेस चेंज किया, वो 99 ईयर्स तक रही हमारे साथ, और उनका नेचुरल देहांत हुआ माता ने, तो उनका बहुत योगदान था। तो मेरी माँ, तो इनकी इस तरफ से मेरे जो भाई है, रियल बड़े भाई है, और इनके पिताजी दोनों 25 डेज आईसीयू में थे कोविड हॉस्पिटल में, हाँ, वो 25 डेज। तो वहाँ से भी हमको ये हमको बहुत सारे चैलेंजेस आए, और इनकी बुआ, इनके अंकल, इनका कजिन ब्रदर, चारों लोग 15 दिन के अंदर अप्रैल मंथ में चले गए। तो
आया चैलेंज, आया चैलेंज आने, फिर हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया था कि फिर हमने आगे ओवरकम किए आगे। फिर हम लास्ट यानी कि अगस्त महीने में हमको थोड़ा सा, 2 साल से फॉरेन ट्रिप की आदत लग चुकी है ना, अभी हमें हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत है और ये अच्छी चीज़ों की आदत अच्छी होती है, राइट। तो फिर हम चेंज बोल के फिर मालदीव गए हम। वैसे तो मेरा मूड नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा चलो चलते हैं बच्चों के साथ, अपना मालदीव का ट्रिप रह चुका है, तो हम मालदीव गए। मालदीव में बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, रश्मिता है, चंदन है, मीता जी है, इन सबके साथ बहुत मजा किया वहाँ पे। आप सबको मिस किया हमने। अब आगे के फॉरेन ट्रिप पे आप आने का प्लान करो ये सारा। तो इस तरह से हमने एंजॉय किया। तो हम बड़े आराम से यानी कि स्ट्रक्चर के सहारे हमने काम किया था, लीडर्स को प्लानिंग किया था। तो आप भी प्लानिंग करो आराम से, हम एडीसी बने। हमारा गोल फाउंडर्स का ही था, कोई बात नहीं, फाउंडर्स हो जाएगा। क्राउन एम्बेसडर तक चलना है, ग्रुप में कई सारे डायमंड्स को ब्रेक करना है। तो ये तो मेरा आपके लिए मैसेज यही है। नंबर वन, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेशन क्या प्रमोट कर रहा है, हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कोर प्लस, कोर प्लस, कोर प्लस, कोर प्लस। देखिए दोस्तों, कोर प्लस का लाभ लेना बहुत जरूरी है। अगर कोर प्लस का आप लाभ ले रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कोर प्लस को प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हो रहा है तो करो, क्योंकि एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। और आप अपलाइन डायमंड, आपके अपलाइन डायमंड क्या आप कह रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं, उसको ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। अभी जो भी अभी आने वाला क्या इवेंट है, मैंने कहा ना अपना बिजनेस बढ़ता है फंक्शन टू फंक्शन। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होने जा रहा है A25, और एक फंक्शन होने जा रहा है A70। अगर आपके पास कागज पेन है तो लिख लेना, और अगर A25 समझ नहीं आया तो आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन को पूछ लेना, A70 क्या है ये आपके अपलाइन को पूछ लेना, राइट। A25 नहीं कि एमवे इंडिया को 25 साल होने जा रहे, और उसके लिए अभी 24 महीना लगभग 24 मंथ आपके हाथ में है। वो इवेंट होने जा रहा है 5 मई को, राइट, आपके यहाँ से 24 महीने के बाद। तो 24 महीने में आपने गोल रखना चाहिए। आप आपने अभी इमीडिएटली आज का ये मीटिंग समाप्त होते ही कल सुबह या आज रात आप अपने स्पॉन्सर, आपके अपलायन प्लाटिनम, आपके अपलायन एमरल्ड डायमंड्स को बात करना। और मैं जो बता रहा हूँ वो ये राजकुमारन सीता जी ने ये बताया कि अगर आप 12% एंड अबो है, अगर आप 12% एंड अबो है अभी, तो आपने फाउंडर्स प्लैटिनमशिप अचीव करने का गोल प्लान बनाया। और आप अगर ए बी यानी कि BFI है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन है, आप 9% है, तो आप प्लैटिनम जाने का प्लान बनाए। ये पॉसिबल है, आप ये अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है A25 को। नेक्स्ट है, आपको ये ध्यान देना है, आपका हमेशा याद रखे, आप इस बिजनेस में हो तो इस बिजनेस में क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ माइंडसेट की बात है। आपको वो माइंडसेट होना जरूरी है। अगर वो माइंडसेट नहीं है, आपके घर में सोफा सेट होगा, हाँ हाँ, आपके घर में डाइनिंग सेट होगा, हाँ हाँ, आपके घर में कप और उसका सेट होगा, चाय या गेस्ट आने के बाद स्पेशल ऐसा कुछ होगा, हाँ, आपके घर में, या आप सोफा सेट की बात करते हो, डाइनिंग सेट की बात करते हो, कप सेट की बात करते हो, व्हाट अबाउट माइंडसेट की बात कौन करना चाहिए भैया? हाँ, अगर माइंडसेट की बात करोगे, माइंडसेट अगर ठीक होगा तो ये सारे सेट आएंगे आपके घर में, और कई बार आएंगे, कई अच्छे आएंगे। तो आज तक अगर किसी ने, आपने अभी आज आप सुन रहे हैं ना, कभी भी किसी ने अगर सोफा सेट की तरफ ध्यान दिया, सोफा सेट ये शब्द आया दिखाई दिया, तो इमीडिएटली याद करने का राजकुमार मौर्य को, राजकुमार सीता मौर्य कर बोलने का, अरे बापे माइंड सेट किधर है अपना। हाँ, और इसमें 3 माइंडसेट है बहुत इंपॉर्टेंट। एक है बिजनेस माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, और तीसरा है डिजिटल माइंडसेट। ये तीनों माइंडसेट की जरूरत है आपको हमेशा। बिजनेस माइंडसेट में क्या होता है, सिंपल बात है, नहा रहे तो आप अमीर बन रहे, ये बिजनेस माइंडसेट है। हेलो, आप दांत साफ कर रहे तो अमीर बन रहे, खुशी खुशी के साथ दांत ऐसा साफ करने का, सुबह शाम, सुबह एक रेगुलर ग्लिस्टर यूज करने का, शाम को या वन टाइम रेगुलर, वन टाइम हर्बल, दोनों यूज करने का।
नहा रहे बाथरूम में नहा रहे, जब भी नहा रहे, लेडीज हो जेंट्स हो जो भी हो नहा रहे, तो बोलने का मैं अमीर बन रहा, मैं अमीर बन रहा, मैं अमीर बन रहा, मैं अमीर बन रहा, मेरे सपने पूरे हो रहे, मेरी कार आ रही, मेरा घर आ रहा, मेरा बंगला आ रहा, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ। हेलो, तो बिजनेस माइंड सेट है बहुत जरूरी है। आज मैं सभी सभी के लिए बातें कर रहा हूँ, जो इस बिजनेस में कोर है उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, जो नॉन कोर है उनके लिए भी मैं बातें कर रहा हूँ। हमने कभी यानी कि वो मैंने पहले बता दिया आपको, वो प्राइज वगैरह वो सारा अभी मैंने बता दिया, अभी आगे हम प्राइज भी नहीं देखते। आज हम क्योंकि मेरे प्रोडक्ट है ना, हेलो मेरे प्रोडक्ट है, तो मैं क्यों प्राइज देखूं? ये मेरे घर का प्रोडक्शन है, मेरा प्रोडक्शन है, ग्लिस्टर का मालिक मैं हूं, एसेट का मालिक मैं हूं, राइट। मेरे घर की मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी का प्रोडक्शन हाउस कहाँ है? यानी कि मदुराई में है, वो मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी का मेरा प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। और बिजनेसमैन क्या करता है? हमेशा सेल करता है, रिटेलिंग करता है। आपको इस जमाने में, उस जमाने में हमने 20 साल पहले 100 PV 200 PV करते थे, आज इस जमाने में मिनिमम आपको मैं गोल दे रहा हूँ, मिनिमम 300 PV तो करना ही करना है, मिनिमम 300 PV। अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, आपको ये बातें समझ में आई, तो 300 PV होना ही होना है। और भारत जैसे देश में सेल नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर? बहुत जरूरी है, भारत जैसे देशों में आपको एक याद रखना, यहाँ घर घर में मॉल है, घर घर में मॉल है। आपने वो किताब नहीं पढ़ा होगा, घरेलू सुवर्ण, हाउस होल्ड गोल्ड, पढ़ो, 9 को स्टेप करो, किताबें पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए किताबें? मुझे उल्टा सवाल करो, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं 100% प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहिए? क्यों नहीं सेल नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों सीडी नहीं सुनना चाहिए? क्यों किताबें नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहिए? क्यों अकाउंटेबल नहीं रहना चाहिए? क्यों कम्युनिकेशन में नहीं रहना चाहिए? क्यों टीचेबल नहीं रहना चाहिए? मुझे मेरा उल्टा सवाल है अपने आप से, आपको मेरे ये सवाल है, क्यों क्यों ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे? ये नहीं करोगे और क्या करोगे? और आपके कामयाबी के लिए, आपके सपनों के लिए, आपको एक आलीशान लाइफ जीने के लिए ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे फिर? 40,000 के रुपए की तनख्वाह के लिए 40 साल नौकरी करते हो, वहां बॉस अगर लेडीज है तो भी चलता है, जेंट्स है तो भी चलता है, उसकी शादी नहीं हुई तो भी चलता है, उम्र से छोटा है तो भी चलता है, वहां सब चलता है, यहाँ क्यों नहीं चलता फिर? यहाँ क्यों नहीं करने का? आज के बाद ये खाना खाने से पहले ये सोच लेने का कि मैंने 9 क्वेश्चन किया क्या, मैंने आज कुछ सेल किया क्या। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी परवरिश, आपके आने वाला फ्यूचर है। ये हमेशा ये सोच होनी चाहिए। इसको बोलते हैं माइंडसेट। क्या माइंडसेट है? दूसरा क्या माइंडसेट है? कहां यहां चांद पे जाके तारे लाना है? हाँ, हनीमून पीरियड में आपने बोला होगा मैं तुम्हें चांद तारे ला के देता हूं, हाँ, लेकिन यहां कौन से ऐसे तारे लाना है मुझे बताइए। राइट, कार्डिनल रूल किसके लिए है? आपके हमारी भलाई के लिए है। ट्रैफिक रूल अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो नुकसान किसका होगा? जो नहीं फॉलो करेगा उसका नुकसान होगा। वैसे हर रूल किसी ने, कुलीन हमेशा बताते, कुलीन दशाएं हमेशा बोलते, कांति जी हमेशा ये बताते, राकालदा हमेशा बताते, रूल हमारे भलाई के लिए होते हैं, हमें तकलीफ देने के लिए नहीं। तो समझो ना, ये रूल बहुत जल्दी जरूरी है समझना। कोई भी चीज करने से पहले अपलाइन से सीनियर पार्टनर से पूछना है। क्यों पूछना है? उनके पास तजुर्बा है। चाहे उनका नाम माइकल क्यों नहीं होता, चाहे उनका नाम जोशी क्यों नहीं होता, चाहे उनका नाम और कोई कुछ नहीं होता। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डोंट पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये कभी नहीं करना चाहिए। क्या हम घर में भी वैसा नहीं करते ना? आप ऑफिस में नौकरी करते, ऑफिस ने बॉस ने डांट लगाई तो क्या घर आके बच्चों को बोलते मुझे डांट पड़ी, मैं डांट खाया, बोलते क्या? नहीं बोलते, नहीं देते, राइट। तो यही बात मैं बता रहा हूँ। तीसरा है, नेवर मेस अप विद एनीबडी स्पाउस मनी एंड ईगो। ये बहुत जरूरी है। क्या है ये अपना चरित्र अच्छा रखने के लिए, फैमिली बिजनेस है, और हस्बैंड एंड वाइफ छोड़ के बाकी सबके साथ सिस्टर एंड ब्रदर का ही रिलेशन है। ये सब तरफ बोलो बोलो बोलो, हमारे बिजनेस के हस्बैंड एंड वाइफ छोड़ के बाकी सारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। स्टेज से बोलो, मुंह से बोलो, जो बोलोगे वो होने वाला है। शुभ शुभ बोल, ऐसा बोला है, बिलीव एंड अचीव।
ये सारा कुछ बोला है हम, ये सारा तो इसीलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में ये होना ही है। हाँ, सबमिशन में रहो, सबमिशन में काय को भैया, अरे अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अपलाइन का सुनना है भैया। बहुत बार ऐसा होता है, ये कौन से लगने गए, ये कौन से लग गए, ये कौन से तीर मारने वाले, अरे छोड़ो भैया, इधर आए हो तो अपन सपनों के लिए आए। हाँ, पावर ऑफ यूनिटी, यूनाइटेड रहना है। जो भी अराकाल दा मिताजी बता रहे हैं, चंदन जो बता रहे हैं, रश्मिता जो बता रही है, ये सारा करो ना, ये सारे डायमंड जो बता रहे वो करो ना, इनके साथ ज्ञान रंजन और मनस्विनी के साथ अच्छा रहो ना, क्या फर्क ये था यार, राइट। बहुत जरूरी है, यानी कि जो मनोज जोगा माया राउत, मैंने पहले ही नाम लिए हैं सारे डायमंड्स के, अपने अपने डायमंड्स के साथ जो बता रहे वो करो ना, वो कभी आपको गलत नहीं सलाह देंगे। तो ये बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो इसीलिए मैंने कहा डिजिटल माइंडसेट आज सीखो ना, क्या नहीं सीख सकते हम, ऐसा कौन सा है जूम का व्हाट्सएप आप रन करते हो, व्हाट्सएप देखते हो, तो वैसा डिजिटल माइंडसेट पे डिजिटल माइंडसेट होना जरूरी है। और नेक्स्ट है ग्रोथ माइंडसेट, आपको ग्रोथ लाना जरूरी है। हम ये कोई सरकारी ऐसा नहीं है, यहाँ यानी कि टाइम स्केल प्रमोशन होगा, यहाँ टाइम स्केल प्रमोशन नहीं है, यहाँ वर्क स्केल प्रमोशन है। काम करो, काम करो, जो जल्दी काम करेगा वो आगे जाएगा। हम सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में दिखाते हैं ना, ये ने दो टीम बनाई, वो फाउंडर्स प्लैटिनम बने, फिर ये बी और सी को स्पॉन्सर किया, और बी ने तीन टीम बनाई और वो फाउंडर्स एमरल बने, और सी ने क्या किया, छह टीम तगड़ी टीम बनाया, और उसके बदौलत वो फाउंडर्स डायमंड गए। हम बता रहे हैं ना, जो टीम बनाएगा, जो काम करेगा उसको, यानी कि यहाँ पे जो सेवा करेगा उसको मिलेगा मेवा। ये सादा सिंपल रूल है, तो यही तो करना है, ये हमने किया है, आप भी कर सकते हो दोस्तों। ये आने वाला दौर बहुत अच्छा है, ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे। मैं आज उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो तो सोचो, क्योंकि हमेशा क्लाइमेट आते रहते हैं, पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, कई बार उड़ीसा में बादल आते हैं, बारिश आते हैं, चक्री बादल होते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, मैं जानता हूँ। हम आज पूरे भारत की जनता को बात कर रहे हैं, आपके जिस सिचुएशन में है, जहाँ पर भी है, चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को अगर ओवरकम करना है, एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो इस बिजनेस को ग्रोथ पे लाना है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ, बिलीव इन अर्ली सक्सेस, बिलीव इन अर्ली सक्सेस। मैं हमेशा बताता हूँ, यानी कि अगर राजा नरेन का एग्जाम्पल लिया जाए, यानी कि आंध्र प्रदेश से राजा नरेन इस बिजनेस में डायमंड एंड अबो है, वो इतने अर्ली स्टेज में वो डायमंड गए, EDC गए, आज उनका जो मकान है उस स्टेट के आंध्र प्रदेश में से टॉप 100 में से एक है। हेलो, मैं बता रहा हूं इसका कारण क्या है, अर्ली स्टेज में सक्सेस हासिल करना बहुत अच्छा है। तो अर्ली सक्सेस गिव्स यू वेरी गुड फ्रूट्स, आप एंजॉय कर सकते हो। बुढ़ापे में बेडरूम लेके क्या करोगे, बुढ़ापे में मर्सिडीज लेके क्या करोगे, बेटा बोलता है पापा तुम्हारा ये हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, पापा तुम पीछे बैठो नहीं तो बाजू बैठो, बाजू भी नहीं बैठ सकते क्योंकि मर्सिडीज का स्पीड बहुत होता है, ये ज्ञान रंजन को पता है, ज्ञान रंजन इनको सारा कुछ पता है। तो अभी 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 दांत है तो चने नहीं है, चने है तो दांत नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आज आज अभी अभी हमारे दांत भी है, चने भी है, चने क्यों, काजू की बात करो ना, काजू बादाम की बात करो ना। हाँ, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अभी काम करने का है, अभी ये समय, अभी एक साल बहुत लेट है, दो साल और बहुत लेट है, तीन साल और सभी लेट है, और A70 के लिए सभी ने डायमंड बन के आना है, सभी ने डायमंड बन के आना। A70 के लिए भुवनेश्वर, आप राकार नीता और आपके जो डायमंड्स है उनके ऑर्गेनाइजेशन से डबल डबल डिजिट में, यानी कि आप हर कोई अगर आज डिसीजन लेते हो तो A70 को आप डायमंड बन के अमरीका आ सकते हो हमारे साथ। और ये होना जरूरी है क्योंकि पंचवार्षिक, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल होना जरूरी है, शॉर्ट टर्म गोल होना जरूरी है, मिड टर्म गोल होना जरूरी है, ड्रीम्स की सारी बातें होनी चाहिए, ये सारी सारी है। और एक मैं बात बताता हूँ, अपना फैमिली को यूनाइटेड रखो, वन फैमिली वन गोल रखो,
वन टीम वन गोल रखो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता आपके पास सारा कुछ है इस बिजनेस में, बहुत कुछ है दोस्तों, हर कुछ है। कांति जी का एक सीडी है, नो मोर चना कुरमुरा, नो मोर चना कुरमुरा, ये कांति जी का एक सीडी है, सारा कुछ उसके अंदर है। तो इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ, इस बिजनेस में सारा कुछ है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इतनी मदद, इतनी मार्गदर्शन, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छी सिस्टम, एमवे कॉरपोरेशन, एमवे के बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। तो आपको ये सबसे समझना है, एमवे प्रोडक्ट एक बात अलग है, एमवे बिजनेस कॉन्सेप्ट एक बात अलग है, दोनों को समझना पड़ेगा। हमने ये बिजनेस प्लान दे के आए थे, हमको नहीं पता था इसमें पेस्ट है, मिट्टी है, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या कपड़ा है, कि बर्तन है, हमको नहीं पता था इस बिजनेस में क्या सेल करना है। हम बिजनेस कॉन्सेप्ट दे के आए थे, चलो बहुत बढ़िया है, 50,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी पढ़ाई के बावजूद 35,000 रुपया थी। बाद में मुझे ये समझ में आ गया, मैं इतना पढ़ा लिखा 35,000 कमा रहा, मेरी वाइफ हाउस वाइफ वो कैसे 50,000 रुपए कमा सकती है, इसमें मेरा योगदान होना जरूरी है। मैं कैसी ऐसी धारणाएं रख सकता हूं कि मैं 35,000 कमा रहा हूं और मेरी वाइफ 50,000 रुपए कमाए। ये बहुत बार हस्बैंड को ये बातें ही समझ में नहीं आती, वो बोलता है वाइफ को दिया है, बच्चे को दिया है, बेटी कर रही है, बेटा कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो अपना अपना रोल, समझो अपना अपना दायित्व। और बहुत अच्छे लीडर है मिताजी, मिताजी की तरफ देखते हमें बहुत, हमारा भी दिल भर के आता है। राकाल दा हमारे साथ ही है, हाँ मैं कभी नहीं ऐसा समझूंगा, मेरी माँ मेरे साथ है, क्यों वो कहाँ कहीं नहीं है, वो यहाँ है, सारे कुछ यहाँ है, आपके सक्सेस को देख रहे हैं। और चंदन तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चंदन और रश्मिता वी लव यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। शुभस्मिता मोहंती, मिस सोमस्मिता मोहंती, हम आपको बहुत लाइक करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हाँ आप सबके द्वारा, आपके द्वारा भी और जो भी आज ऑडियंस यहाँ पे है, आज जो भी आज आप, आपके द्वारा बहुत पुण्य का काम होने जा रहा है, बहुत पुण्य, आप ये बिजनेस को ग्रो करोगे, बहुत पुण्य का काम है दोस्तों ये, आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छा है। आपने अगर ये काम कौन सा है, ये एमबे बिजनेस की फिलोसफी क्या है, अगर आप समझोगे तो आपको बुरा कभी नहीं लगेगा, आप कभी अपने आप को डीमोटिवेशन नहीं होगे। आपको ये एमवे बिजनेस ग्रो करना है, यानी कि पुण्य पुण्य पुण्य, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप सबकी ब्लेसिंग के द्वारा ये हमने इतनी सारी ग्रोथ पैंडेमिक में ले आई है, वो माइंड से हटा दो, पैंडेमिक और ये चैलेंजेस तो रहने वाले हैं, चैलेंजेस के दौरान उसी में से हमको ग्रोथ लाएंगे। बहुत अच्छा लगा सभी डायमंड्स को, हम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो आप सभी डायमंड्स, राइट, हम सब आपको, हम बहुत बार फॉरेन ट्रिप में एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत सारा कुछ एंजॉय भी करते हैं, डांस भी करते हैं। आइए अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट मंथ अंटालिया में, फिर अबू धाबी में, फिर बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अभी ड्यू है, तो ये सारे फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं। जो क्वालिफाई नहीं हुए उनके लिए हम थोड़ा आपके नाम से एक ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, जो क्वालिफाई नहीं हुए। अब नेक्स्ट टाइम आपने ये ठान लो कि हम क्वालिफाई होंगे और हमारे साथ फॉरेन ट्रिप में आके मजा लेंगे। अभी अभी प्लैटिनम फोरम गोवा में थे, मैंने उन सभी प्लैटिनम्स को ये कहा, जम के खाओ, तगड़ा खाओ, हर फ्रूट का मजा लो, हर जूस का मजा लो। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है, मुफ्त में नहीं मिला है, और यहाँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, उसके लिए आपने कीमत अदा की है, उसका एक 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 फ्रूट का मजा लो, एक एक हर वक्त का मजा लो जो भी मिलता है उसका। तो बहुत मजा आ गया दोस्तों आपके साथ ये शेयर करते हुए। ध्यान देना, कोर प्लस का लाभ उठाना है, ये 25 का गोल आपने आज ही रात को बताना है आपने, और आप अपने अपलाइन के साथ आप अपने दिल से बता दो आपका गोल। अगर आप अपना गोल दिल से खुले मन से नहीं बताओगे तो आपको कभी गाइडेंस नहीं मिलेगा और आपकी उसमें आपका नुकसान। तो ये 70 का गोल, ये सारे गोल के ऊपर टूट पड़ो और हमेशा अपने परिवार को संभालो, परिवार को। हम मेरे सीता ने कभी हमारे बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखा,
मेरी माता हमने हमारे सीनियर सिटीजन को वृद्धाश्रम में नहीं रखा। अरे आपके पास माता पिता है तो यही भगवान है, आपको किधर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं। बस उन माता पिता को समझो, उन माता पिता को समझाओ हाँ, और उनके साथ उनके ब्लेसिंग के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ाओ। हम अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बहुत मजा आया आपके साथ शेयर करते हुए, ये मेरे लिए राकालन मिता के टीम को बात करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये ऑनर एंड प्रिविलेज है हमें कि आपके साथ हम बात करें। आज राकाल जी भी हमें ब्लेसिंग देंगे राइट, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका रहा। आइए डायमंड क्लब में आइए। बाकी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमने डायमंड क्लब की भी जगह खाली की है। ईडीसी फाउंडर ईडीसी डबल डायमंड, तो हमने डायमंड क्लब की जगह खाली की है। आओ डायमंड क्लब में बहुत जगह है राइट। अगर ये हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप कुछ बात करना चाहते हैं? थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, समोरे जी, नमस्ते अंकल आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर, आप दोनों आए, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू बोथ, वी आर प्रिविलेज्ड राइट। द एंटायर ओडिशा इज ग्रेटफुल, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीम इज ग्रेटफुल, वी आर कम्प्लीटली प्रिविलेज्ड। आप आए, बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर आज सबने बहुत सारा नोट लिया होगा राइट। बहुत कुछ चीजें हमारे दिल को छुए, लाइक डिजेक्टेड बट नॉट डिफिटेड। बहुत बार चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जैसे राजकुमार जी ने बताया राइट। बहुत कुछ आईपीएस नहीं हुआ, यूएस नहीं गए, बट फिर भी दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग एंड बिकमिंग ए बिजनेस। मिला और बिजनेस में बहुत क्राउन एंड फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं वो सबको लेके। सो ये पकड़ना है, डिजेक्टेड बट नॉट डिफिटेड and a growth mindset right. So huge round of applause for Rajkumar ji and Sita More ji. I'm unmuting everyone, can we have a huge thoda halla gulla ke sath right, can we have a huge थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मॉम ने बहुत सारा प्यार एंड अफेक्शन भेजा है आप दोनों के लिए, एंड ऋत्विक और रोहन के लिए भी राइट। बहुत हमने एंजॉय किया था मालदीव्स में, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन अंटालिया। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से नमस्ते, थैंक्स अ लॉट यू नो राजकुमार जी, सीता मोरे जी, थैंक्स अ लॉट, एंड द एंटायर ओडिशा एंड डब्ल्यूआरबी इज ग्रेटफुल टू हैव यू बोथ, थैंक यू, एंड हैप्पी धनतेरस टू ईच एंड एवरीवन हियर, थैंक यू सो मच, नमस्ते।